निवेदिता जी, जिस तरीके से चीन लगातार चालबाजी करता है और सिर्फ भारत देश के साथ नहीं अन्य देशों के साथ भी, तो एक बड़ा सवाल है कि क्यों सभी देश साथ में मिलकर एक कोई ऐसी रणनीति नहीं बना लेते जिससे चीन को उसी की ही भाषा में जवाब दिया जा सके। नमस्ते। एग्जैक्टली, तो हम लोगों को पहले ये समझना होगा ये कहाँ पे हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। तो लाइक हम लोग एज अ जर्नलिस्ट जब हम लोग जाते हैं तो देखते हैं कि दो लोग पॉलिटिशियंस डिफरेंट बात बोल रहे हैं, इवन जो लोग वहाँ पे मौजूद है द विलेजर्स दे स्पीक डिफरेंटली। तो बेसिकली जो मुझे समझ में आया दैट नन ऑफ दिस आर हैपनिंग ऑन डिमार्केटेड इंटरनेशनल बॉर्डर, ये हम लोग को समझना होगा। थोड़ा सा यहाँ पे ज्योग्राफी मैं लाऊंगी, वी नीड टू अंडरस्टैंड द ज्योग्राफी ऑफ दिस प्लेस। And to understand the geography, there had always been dispute in LOC and LAC. So LOC and LAC में ये actually problem हो रही है। अगर आप देखते हैं कि जो जितने सारे sketchy borders है हमारे इंडिया में, वहीं पे प्रश्न आता है, वहीं पे actually ऐसे marks आते हैं। आप पंजाब और राजस्थान को देखिए, वहाँ पे भी border share होता है, but उस जगह में कोई dispute नहीं होती है। While गुजरात के सार क्रीक के वहाँ पे dispute होती है, कश्मीर के नॉर्थ वेस्ट पे होती है। तो ये जो सारी जगहें हैं जहाँ पे ये सारी डिस्प्यूट हो रही है, वो क्यों हो रही है? द प्रॉब्लम इज अराइजिंग बिकॉज ऑफ लैक ऑफ बॉर्डर डिमार्केशन। अब हम लोगों को ये समझना होगा ये बॉर्डर डिमार्केशन करेगा कौन? इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, इन दोनों देशों के साथ जो हम लोग बॉर्डर शेयर करते हैं, एंड दोनों देशों के साथ हमारे सेम प्रॉब्लम है। इंडिया के कुछ कुछ पार्ट में है, कुछ कुछ पार्ट में नहीं है, जो मैंने आपको अभी बताया। तो ये जो कॉमन पीपल है, कॉमन विलेजर्स है, मतलब दे आर गेटिंग सैंडविच्ड, वो लोग सैंडविच बन रहे हैं हम लोगों के, मतलब पॉलिटिक्स और मिलिट्री के बीच में। उन लोगों का जो परेशानी है दैट इज काइंड ऑफ डिफरेंट। तो इन परेशानियों से हम लोगों को निकालेगा कौन? इट्स लाइक हाई टाइम दैट इंडिया को बात करनी चाहिए पॉलिटिकली। वी हैव टू आस्क क्वेश्चन टू द पॉलिटिशियंस कि इस मैटर को बैठ के सुलझाया जाए, इस मैटर को लाइक, और कितने दिन हम लोग टालेंगे इस मैटर को? सर उस दो क्लाम से हो रहा है, फिर हम लोग का एक के बाद एक हम लोग चीजें देखे, जो सर ने बताया अभी जून 15 को जो हम लोग देखे, गलवान वैली में जो प्रॉब्लम हुआ, कश्मीर में जो प्रॉब्लम हुआ, ये सारे प्रॉब्लम्स हमारे होते क्यों आ रहे हैं? वो पर्टिकुलर क्वेश्चन हम लोगों को पूछना चाहिए। ये पर्टिकुलर इसीलिए हो रहा है कि डिमार्केटेड वैली यहाँ पे नहीं है। इंडिया को बैठ के पॉलिटिकली इसको सॉल्व करना होगा। अनलेस एंड अंटिल दिस इज सॉल्व पॉलिटिकली, ये हम लोग मिलिट्री लेवल का ये बात नहीं है, इट इज नॉट एनी मिलिट्री रेजोल्यूशन ओवर हियर। तो ये डायरेक्टली हम लोगों को पॉलिटिकली। नीता जी, आपको क्या लगता है कि हम इसका सॉल्यूशन क्यों नहीं ढूंढ पा रहे हैं? व्हाई एंट देयर इज अ सॉल्यूशन येट? क्योंकि लगातार पॉलिटिकली भी बातचीत हुई, जब गलवान का टाइम था तब भी हमारे रक्षा मंत्री लगातार बात करने गए, तो भी किसी तरीके का कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। उसके बाद अभी हमने देखा किस तरीके से अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर उन्होंने एक पूरा गाँव वहां पर बसा दिया है, तो क्यों नहीं सॉल्यूशन निकल पा रहा है? इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानती हैं? देखिए, द मैटर बॉयल्स डाउन टू बेसिकली पॉलिटिकल डिप्लोमेसी एंड द पॉलिटिकल प्लानिंग। तो ये पॉलिटिकल डिप्लोमेसी एंड प्लानिंग के बीचों बीच ही ये प्रॉब्लम होगा। अभी जब हम लोग कुछ भी प्रश्न पूछने जाते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ जिंगोइज्म में हम लोग फंस जाते हैं। बहुत सारे जिंगोइस्टिक एटीट्यूड हम लोग देखते हैं डिफरेंट साइड से, डिफरेंट नॉर्मल लोगों की भी देखते हैं। ऐसा नहीं पॉइंट आउट करके मैं ये नहीं बोलूंगी कि ये पॉलिटिशियंस के हैं या ये इन लोगों के हैं, बट द थिंग इज दैट देर इज नो पॉलिटिकल, देर इज नो मिलिट्री रेजोल्यूशन टू दिस। ये जो डिसीजन है, वी नीड टू नो वॉट इज द पॉलिटिकल रेजोल्यूशन। वी कैनॉट गो विद द जिंगोइज्म, बिकॉज जिंगोइज्म बहुत देर तक, इट वॉन्ट वर्क फॉर लॉन्ग। तो इस इन सारी चीजों के लिए हम लोगों को बैठ के प्रश्न पूछना चाहिए। हाई टाइम दैट इंडिया हैज टू सिट एंड आस्क दिस क्वेश्चन विथ देयर टू नेबरिंग कंट्रीज। जी, इस बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? जैसे कि निवेदिता जी ने कहा कि सारी लड़ाई है जमीन को लेकर, सीमा को लेकर, तो क्यों नहीं डिमार्केट हम कर पा रहे हैं कि ये हमारी जमीन है, ये आपकी जमीन है, लड़ाई वहीं पर खत्म? बहुत इंटरेस्टिंग है, इसके लिए तो मैं खुद भी वेट कर रही हूँ, बहुत सारे रिसर्चेस तो चल भी रहे हैं। तो इनफैक्ट जो चीज हम लोगों को देखनी है, हाउ दे प्ले दिस थिंग। वो लोग डिप्लोमेटिकली प्ले करते हैं, वो लोग ऑलरेडी, हम लोग जानते हैं कि हमारे देश या अभी जितने सारे न्यूक्लियर वेपन्स आ रहे, बहुत सारे देश के पास अभी है भी, हम लोगों के पास भी है,
तो अगर हम लोग कैसे इसको यूटिलाइज करेंगे, हम लोग मतलब हु इज गोइंग टू लूज, हु इज गोइंग टू विन, अगर ऐसे सिचुएशन हम लोग देखा जाए. जैसे चतुर्वेदी जी ने बोला है कि अभी हम मतलब ईट का बदला ईट से ही देना पड़ेगा. जनार्दन जी भी ऐसे ही कुछ बोल रहे थे. तो आई डोंट थिंक, मतलब मैं इस बात से उतना ज्यादा सहमत नहीं हूँ. हम लोगों के पास बुद्धि है, जो इंडिया के आर्मी आज तक करते आए इस दे हैड विन अपने बुद्धि से, जिसके लिए हम सब लोग बहुत प्राउड है. तो हम लोग दोबारा भी ऐसे ही जीतेंगे. अगर हम लोग एक जन एक जगह पे अगर न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़ना शुरू कर देते हैं, तब तो सिर्फ तबाही ही लिखा हुआ है. तो आई थिंक दैट इज नॉट द आंसर. तो इसका आंसर देने के लिए बहुत बुद्धि के साथ हम लोगों को देखना है, खेलना है. दिस इज बेसिकली सिटिंग डाउन, एक जगह बैठ के ये जो स्केची बॉर्डर्स है, इन लोगों के साथ हम लोगों को बात करना है. और ये पॉलिटिकली ही रिजॉल्व हो सकती है, पॉलिटिकली रिजॉल्व नहीं, डिप्लोमेटिकली ही इसे रिजॉल्व किया जा सकता है. और बहुत जरूरी है ये देखना कि अब अमेरिका किस तरीके से चाइना के साथ अपने जो इंटर रिलेशनशिप